तो आज का जो ब्लॉग है हमारा, आज मैं जा रही हूँ लालबाग का राजा। वो बहुत ही फेमस है, मुंबई का सबसे नामी और उनका बहुत मान्यता है। तो आज हम लोग वहीं जा रहे हैं। और सबसे पहले मैं बता दूं कि हम लोग वहाँ एक दिन स्टे भी करने वाले हैं मुंबई में, क्योंकि एक हमारे फ्रेंड है उनके घर पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रॉली है, वो पैक हो चुका है क्योंकि वहाँ पे एक दो दिन स्टे करेंगे, तो इस वजह से कपड़ा तो चाहिए ना। तो अभी वहाँ जाके, और वहाँ पे ऐसा सुना है कि बहुत भीड़ है, तो देखती वहाँ जाऊँगी तभी पता चलेगा कि कितना भीड़ है, क्या है नहीं है। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे बहुत दिन से पता, मतलब जब मैं अनमैरिड थी तो पहले मैं वीडियो वगैरह देखती थी ऐसे न्यूज़ में कि बहुत मुकेश अंबानी ऐसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी आते हैं, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा चाह थी क्योंकि मुंबई का सबसे फेमस है यहाँ का गणेश चतुर्थी। तो इस वजह से 10 दिन का होता है यहाँ पर, तो उनका ही देखने के लिए बहुत ज़्यादा लोग भीड़ मतलब होते हैं, ऐसा बोलते हैं, फॉरेन से भी लोग आते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं कैसा क्या है। तो सबसे पहले हम लोग ट्रेन में यहाँ पे निकल चुके हैं मुंबई के लिए, और यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग ट्रेन में बैठ गए हैं। और अभी जो है भूख लगी हुई थी क्योंकि 3 घंटा यहाँ से लगता है, तो हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा बहुत खाया। उसके बाद जो है हम लोग थोड़ा बहुत आराम किए ताकि हमारा जो ट्रेन है वो फिर पहुँच जाए। तो यहाँ पर विरार हम लोग स्टेशन पहुँच चुके हैं, और यहाँ से अभी देख सकते हैं मौसम बहुत अच्छा किया हुआ था, तो हम लोग खुश थे कि चलो अच्छा है, बारिश नहीं हो रही, क्योंकि मुंबई में तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी कुछ दिन से। तो यहाँ पे हम लोगों ने ऑटो लिया और फिर हम अपने फ्रेंड के घर पे चले गए। उनका विरार में ही यहाँ पे फ्लैट है, तो वहीं उनके घर पे ही आज हम लोग हो सके तो स्टे करें, देखते हैं, पहले वहाँ पे जाके पता करते हैं। और यहाँ इतनी भीड़, पब्लिक इतनी ज़्यादा, रशेस हर जगह, यहाँ पर ऑटो वाले भी सारे एक यूनिफॉर्म में दिख रहे थे। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ ये चीज़ सही है, यहाँ पे महाराष्ट्र में मतलब बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मतलब देखने को मिलती है। मैं यहाँ पे पहले भी आ चुकी हूँ ना, तो यहाँ पे मैं नोटिस की हूँ। तो यहाँ पे हम लोग जैसे फ्लैट पे पहुँचे, इन दोनों का मिलन हो रहा था, ऐसे लग रहे थे कि मेले में कुंभ के बिछड़ गए थे। तो गाइस फाइनली अभी पहुंच चुके हैं उनके घर, और उनका घर भी बहुत सुंदर है, तो आपको मैं दिखाऊंगी ब्लॉग में, अभी तो थोड़ा सा बिजी है। और ये कि हमारी ये मिली है, ये बोलो हाय, बोलो हाय गाइस। पता है आंटी का ब्लॉग बनाती है। हाँ। ओ तो अभी जस्ट फ्रेश होकर बैठे हैं, और अभी थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह खाएंगे, देन उसके बाद देखते हैं शाम का वो व्यू कितना अच्छा है। वेट आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ से गैलरी से उनका पूरा बाहर का विरार दिख रहा था, एकदम मेन रोड लोकेशन पे है। और ये जो आपको टेंपल छोटा सा वो पहाड़ के ऊपर जो दिख रहा है, वो जुदानी माता का है। बहुत ही यहाँ पे फेमस है विरार का, जो मुंबई से होंगे उनको पता होगा कि विरार में जुदानी माता है, उनका माता का। नवरात्रि में यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, और इनका बहुत अच्छा दिख रहा था गैलरी से, बहुत अच्छा था। लेटे हैं, थोड़ा आराम कर रहे हैं, देखते एकदम चेहरा कैसा हो चुका है, तो अभी थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं और फिर उसके बाद। कपड़ा वपड़ा चेंज करके और फिर नहा के, और रात को लास्ट जो हमारी जो यहाँ से लोकल है विरार से, वो ट्रेन पकड़ने वाले हैं, क्योंकि रात में क्या होता है भीड़ कम होती है, सुबह सुबह दर्शन हो जाएगी हमारी, तो 3-4 घंटा तो लाइन लगना ही पड़ेगा गाइस। ये चीज़ तो मतलब पता किया मैंने, मतलब एक दो जन गए हैं तो उनसे पूछा, तो उन लोगों ने बोला कि काफ़ी भीड़ है, तो इस वजह से, तो देखती हूँ दर्शन हो जाए तो सही है। इसके लिए मुझे तो अभी से ही थकान हो रही है गाइस, पता नहीं कैसा, मतलब वहाँ पे रात भर का आज तो जगराता होने वाला है, ये तो सियोर है, क्योंकि मन्नत का राजा, लालबाग का राजा, ऐसे थोड़ी उनको बोला गया है, वहाँ पे सब लोगों की विशेष पूरी होती है। तो ऐसा मतलब सुनने में आया कि आप जो भी मतलब श्रद्धा से मांगो तो विशेष आपकी पूरी हो जाती है, तो देखती हूँ मैं भी जाऊँ दर्शन करूँ। मैं तो बहुत ज़्यादा सुपर एक्साइटेड हूँ, तो इस वजह से मेरे को लग रहा है कि मतलब शायद भगवान सुन ले और अच्छे से दर्शन मेरे मतलब हो जाए, तो इस वजह से। तो अभी हम लोग थोड़ा खाना वाना खा लेते हैं, देन उसके बाद जो है थोड़ा रेस्ट करेंगे और फिर निकलेंगे, आपको सब कुछ अपडेट देते रहेंगे। तो गाइस यहाँ पे बहुत मस्ती हो रहा है, रात का टाइम है और अभी 9 बजे, और सब मिलके डांस कर रहे हैं।
रहे हैं। ये हमारी मैडम, अभी हम लोग थोड़ा खाना वाना खा के और सोच रहे हैं कि थोड़ा सा रेस्ट करके, और थोड़ा रेस्ट कर लूँ और उसके बाद फिर निकलूंगी। आओ आओ आओ, ओए झगड़ा नहीं करते। तो अभी 12 बजे यहाँ का लास्ट लोकल है, तो सोच रही हूँ उसी से ट्रेन से जाऊँ, तो देखते हैं कैसा रहता है। ऐसा वीडियो तो देखा है गाइस, बहुत ज़्यादा भीड़ है, इस वजह से थोड़ा सा मुझे भी डर लग रहा है, पता नहीं कैसा क्या होगा। गाइस अभी हम लोग खाना खाने वाले हैं और देख सकते हैं भाभी ने आज बहुत अच्छा अच्छा टेस्टी टेस्टी खाया। यहाँ पे पूरी है, आलू फ्लावर की सब्जी और ये तड़का है। और यहाँ पे आपको दिखाऊँ, इसको कवर हटाओ, ये आपको देख सकते हैं, ये स्पेशल कुक के पुलाव है। एंड यहाँ पे पूरी देख सकते हो। और अभी खाना खा के आ रहा हूँ, हम लोग अभी 1 घंटे बाद रेस्ट करके और फिर निकलने वाले, क्योंकि टाइम भी अभी हमारा हो रहा है, 11 तो बज गए हैं। एक्चुअली हमारा थोड़ा डिनर लेट हो गया था इस वजह से। तो गाइज अभी हम लोग निकल चुके हैं दर्शन के लिए और अभी हम लोग विरार स्टेशन पे हैं। तो बता दूँ कि अभी हम लोग जैसे पहुँचेंगे वहाँ पे, अभी तो देख सकते हो यहाँ पे ये जो आपको दिख रही है मुंबई लोकल है। तो अभी हम लोग का लगभग कितना 12:05 हो रही है, तो ये लास्ट लोकल है। तो अभी हम लोग फटाफट लोकल पे बैठेंगे और वहाँ पे पहुँचते हैं, वहाँ पे देखते हैं गैदरिंग कैसा होता है, लाइक ऐसा। तो वहाँ पे पहुँच के आपको बताती हूँ, तब तक के लिए। तो गाइस अभी बैठ चुके हैं और लोकल में देख सकते हैं पीछे पूरा ये लोकल है और ये फर्स्ट क्लास डब्बा है। तो अभी हम लोग यहाँ से हमारी जो ट्रेन है वो खुलेगी और डायरेक्ट हम लोग पार्ले वे स्टेशन पहुँचेंगे। लेकिन उसके बाद वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड रात पे भी है, अभी एक जन ने बोला कि बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो देखिए वहाँ पे जाने के बाद ही पता चलता है। तो अभी हम लोग का ट्रेन खुलने वाला है, तो इस वजह से चलते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितना क्रेज है यहाँ पे गणपति को लेकर, बहुत ज़्यादा सबके अंदर इतना उमंग भरा है कि ऐसा लगता है सब, मतलब ट्रेन में भी लोकल में भी यहाँ पे स्टार्ट होगा रात को 1 बजे 12 बजे, बताइए आप लोग मतलब क्या एक्साइटमेंट है इन लोगों का। और जितने भी ट्रेन में जितने मोस्टली जो पैसेंजर थे वो वहाँ ही जा रहे थे, परेल लोरल टाइम करके एक स्टेशन है, मुझे एक्चुअली पता नहीं है एग्जैक्ट इसके लिए, तो वहीं से नियर बाई पड़ता है लाल बख्तर राजा, तो इस वजह से वहाँ नियर मेट्रो पकड़ के। जी रात को 1 बजे का ये हाल है। तो सबसे पहले यहाँ पे मुझे दिखा रास्ते में ही लाल बाग का राजा, इससे पहले यहाँ पे मुंबई चिराजा दिखा, यहाँ पे उनका ही भीड़ था। ऐसा लग रहा था कि जैसे हम लोग दुर्गा पूजा में जैसे मेले में आते हैं ना, लाइक वैसा ही है, दुर्गा पूजा घूमते हो यहाँ पे गणपति लोग ऐसे घूमते हैं। इतनी भीड़ कि मैं क्या बताऊँ, भर भर के लोग आ रहे थे, बाप रे बहुत तादाद में, देख सकते हो। ऐसा लग रहा था खो जाएगा तो कोई मिलेगा भी नहीं, और साइड में यहाँ पे अनाउंसमेंट ऐसे भी हो रही थी। तो यहीं पे आपको ना सबसे पहले ये टोकन मिलेगा लालबाग का, यहाँ 20-20 रुपीज़ लग रहा था। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे अंदर गए, लाइन आप देख सकते हैं, एक लाइन है ये देख सकते हैं। मेरी तो देख के ऐसी हालत ख़राब हो रही थी कि मैं फ़र्स्ट टाइम ऐसे मतलब इतने भीड़ में दर्शन के लिए गई थी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग मुंबई का राजा देखे, क्योंकि यहाँ पे उनका ही रास्ते में था, तो हम लोग सोचे पहले इनका दर्शन कर लें, देन उसके बाद ही वहाँ जाऊँ, क्योंकि वो पहले ही आ पड़ा था। तो यहाँ पे भीड़ देख के तो मुझे समझ में आ रहा था कि लगता है कि लालबाग का राजा तो और भी ज़्यादा क्राउड होगा, लेकिन चलते हैं। अब जब आ गए क्राउड में तो सबसे पहले यहाँ पे गेट पास जो था उन्होंने जमा किया, और उसके बाद यहाँ से हम लोगों ने एंट्री ली,
और जैसे एंट्री ली क्या नज़ारा दिखा, इतना सुंदर इतना बड़ा, ऐसा लग रहा था कि एक सेटअप होता है ना मूवी शूटिंग जैसे होती है, लाइक वैसे ही सेटअप यहाँ पे मतलब रखा गया था, रजवाड़ा टाइप, ऐसा किला, हाथी घोड़ा, यहाँ पे मसाल जल रहे थे, इतना खूबसूरत लग रहा था गाइस, मैं क्या बताऊँ, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था। भीड़ तो था लेकिन हाँ, यहाँ का एक चीज़ मैं कह दूँ मतलब कि मुंबई पुलिस जो होते हैं, महाराष्ट्र पुलिस, बहुत ही हर चीज़ इतने डिसिप्लिन से सब कुछ था कि मतलब ऐसा नहीं हो रहा था कि भगदड़ लाइक ऐसा कुछ नहीं, हर जगह सब अपने अपने मतलब ऐसे मतलब आराम आराम से जा रहे थे, धक्का मुक्की लाइक ऐसा कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले मुंबई चिराजा यहाँ पे दर्शन किए, देख सकते हैं आपको जैसा वीडियो में दिख रहा है, ये जो गणपति हैं ये मुंबई राजा हैं, मुंबई के राजा। तो यहाँ पे हम लोगों ने पहला दर्शन किया था, उसके बाद में यहाँ से लालबाग का राजा जाऊँगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी देर तक वीडियो शूट किया, फोटो खिंचाई, यहाँ पे ऐसा नहीं है मतलब सब लोग फोटो वगैरह खिंचवाए, तो हम लोगों ने भी सोचा कि थोड़ा शूट कर लें इसके लिए, तो यहाँ पर हम लोगों ने उनका दर्शन किया और फिर हम लोग यहाँ से फटाफट निकल गए हैं बाहर डायरेक्ट। और यहाँ लाइन में भी बाहर एग्जिट होने के लिए भी लाइन इतनी भीड़ थी कि मैं क्या बताऊँ आपको, जैसा कि तो यहाँ पे मैंने अपना खुद का वीडियो शूट किया और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी कि चलो मेरा पहला एक जो मतलब गणपति अच्छा रहा यहाँ से मतलब दर्शन, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि चलो। पहले तो मैं यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो गई थी कि यही शायद है मतलब लालबाग का राजा, बाहर का भीड़ देख दर्शन करके। सबसे पहले हम लोगों ने प्रसाद लिया यहाँ का लालबाग का राजा का, यहाँ पे बाहर में ही प्रसाद मिल रहा था तो हम लोगों ने प्रसाद लिया। गाइस अभी हम लोग बांद्रा स्टेशन आए हैं और इतना खूबसूरत बनाया है स्टेशन, एकदम क्या बताऊं, मैं फर्स्ट टाइम देखी मुंबई का इतना अच्छा बांद्रा स्टेशन। आप लोगों को भी दिखाती हूँ ब्लॉग में, देख सकते हो लाइक ऐसा पीछे से, ये जो है ये पूरा बांद्रा स्टेशन का है। अभी हम लोग यहाँ से उतर के दूसरा लोकल पकड़ेंगे क्योंकि अभी थोड़ा सा चाय वगैरह पीना था, तो इस वजह से, क्योंकि सुबह में क्या होता है लोकल स्टार्ट होती है 4:30 बजे से, तो इस वजह से हम लोग सोचे कि थोड़ा बांद्रा स्टेशन घूम लिया जाए। तो अभी हम लोग बांद्रा स्टेशन बाहर आए हैं, तो इस वजह से देख सकते हो क्या डिज़ाइन किया है, ये इतना खूबसूरत ऐसा लग रहा है बाहर से कि कोई ऐसा बड़ा सा रजवाड़ा बंगला है, मुझे तो बहुत खूबसूरत लगा। मुंबई का सबसे अच्छा ये पाउस एरिया है जो बांद्रा है, यहाँ पे सारे सेलिब्रिटी रहते हैं, तो बहुत खूबसूरत। तो
गाइस हमारी दर्शन जो हो गई, अभी हम लोग लोकल पकड़ के घर जा रहे हैं, तो ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जो भी हमारे न्यू जो सब्सक्राइबर हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।